चाहेंगे स्वागत है आप लोगों का मेरी चैनल में। सो गाइस, चैनल पर अगर फर्स्ट टाइम आए हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा आगे के नोटिफिकेशन के लिए। सो गाइस, जैसे कि रिकमेंडेशन नहीं है कुछ भी आज के वीडियो में, क्योंकि हमारी वीडियो है 3 पॉइंट पे, जिसमें से हम आज के दिन डिस्कस करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक भी, ठीक है, जो कि इंडिया से रिलेटेड है एंड अमेरिका से रिलेटेड है। तो इसलिए वीडियो पे पूरा एंड तक बने रहिएगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, आज के दिन हमें क्या देखने को मिल रहा है, इन्फ्लेशन का डेटा आता हुआ देखने को मिल रहा है। एंड अब आप ये सोचोगे कि क्या इंडिया और अमेरिका के इन्फ्लेशन का डेटा आ गया है? तो यस गाइस, देखिए अमेरिका के डेटा में जो मैं अभी तक अब वीडियो जो बना रही हूँ अभी तक तो उसमें कहीं देखने को नहीं मिला है, लेकिन इंडिया का डेटा आउट हो गया है, जिसके अंदर हमें इंडिया का CPI 4.75 देखने को मिला, जो कि अनुमानित था 4.90 का, मतलब 4.90 का फोरकास्ट था, प्रीवियस 4.83 था और अभी 4.75 निकल कर आया है। गाइस अब देखिए, इन्फ्लेशन का घटना अनुमानित तौर पे बहुत अच्छा माना गया है। अगर इन्फ्लेशन कम होगा, उसका CPI का डाटा कम आएगा जिस अनुमान के अकॉर्डिंगली होता है, तो इससे रेट कट की उम्मीदें और भी ज़्यादा बढ़ जाती हैं, क्योंकि महंगाई के कम होने से रेट कट होगा और हमारे जो स्टॉक मार्केट है, इंडियन मार्केट है, उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा पैसा और ग्रोथ देखने को मिल सकती है। एंड ऐसे में हमारा फिर इंडाइसिस एक अच्छे पॉइंट पे ट्रेड करने लगता है। एंड फिर कहते हैं ना, भागते हुए मार्केट को कोई नहीं रोक सकता। गाइस जो RBI था, उसने अनुमान लगाया है क्वार्टरली तौर पे 4.9% तक का, कि अप्रैल मई जून में, एंड ऐसी क्वार्टर टू का लगाया 3.8 का, क्वार्टर थर्ड का लगाया 4.6 का एंड क्वार्टर फोर का लगाया 4.5 का। फिलहाल तो गाइस देखा जा रहा है कि अभी इसमें अप्रैल और मई का ही डेटा निकल कर आया है, जून का डेटा आपको जुलाई में देखने को मिलेगा, ठीक है, अभी 2 मंथ का है, तो 3 महीने का इन्होंने 4.90 बताया। एंड अगर आप देखोगे ना, अगर इन दोनों को आप प्लस करते हो तो 9.58 समथिंग निकल कर आता है, और जैसे कि RBI ने 4.90 बताया, तो आप 4.90 को 3 क्वार्टर से, मतलब अप्रैल मई जून 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 14.75 समथिंग निकल कर आता है। देन अगर आप इन दोनों को 14 - 9 समथिंग जो है अमाउंट, उसको माइनस करोगे तो 5.21% निकल कर आती है। मतलब अब ये अनुमान लगाया जा रहा है कि जून में हो सकता है आपको इतना देखने को मिल सकता है इन्फ्लेशन। गाइस अगर ऐसा भी होता है तो मतलब आप ये कह सकते हो कि RBI ने जो अनुमान लगाया था उसका जो अनुमानित तौर पे वो गलत नहीं था, लेकिन वैसे ही अभी जिस तरीके से अभी ये हमारा CPI निकल कर आया, तो आप इससे कंपेयर बिल्कुल भी मत करें जो लोग कर रहे हैं, क्योंकि RBI बताता है अनुमान, एक फोरकास्ट किया जाता है, लेकिन एक्चुअल डेटा कई बार नहीं निकल कर आ पाता है, ठीक है, तो इसलिए कोई घबराने की बात नहीं है। एंड अगर आप एक चीज़ देखोगे ना, अभी भी अप्रैल और मई में हमें 4 के जोन में ही अपना CPI डेटा देखने को मिलता है, जो कि एक पॉजिटिव है। अगर अगेन हमें इन्फ्लेशन कम होने को मिलता है तो गाइस एक हमारे लिए काफ़ी गुड न्यूज़ हो जाती है कि हाँ, महंगाई कम हो रही है। अब जो सरकार बनी है, यानी सरकार का 5 साल तक रहना है, ठीक है, ऐसे में अगर CPI कम हो जाता है, रेट कट हो जाता है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। गाइस अब मेन मुद्दा तो रह जाता है गाइस हमारा, देखिए RBI तो कर देगा रेट कट एंड GDP का डेटा भी काफ़ी अच्छा निकल के है, लेकिन मेन मुद्दा हमारा अमेरिका के पास आकर खड़ा हो जाता है। क्यों? क्योंकि अगर अमेरिका के CPI का डेटा अच्छा नहीं निकल गया, तो कहते हैं ना, हमारी इंडिया एक ग्लोबलाइज, मतलब हमारा जो वर्ल्ड एक ग्लोबलाइजेशन भी है और हर एक नई कंट्री एक दूसरे से कनेक्टेड है, तो मोस्टली USA का असर हमारे इंडिया पे ज़रूर पड़ता है, इंडियन मार्केट पे ज़रूर पड़ता है। देखिए हमारा जो डेटा निकल कर आया वो तो फिर भी ठीक है, लेकिन अगर अमेरिका का डेटा अच्छा नहीं निकल कर आता, तो कल के दिन आपको इसकी वजह से मार्केट में एक रिएक्शन देखने को मिल सकता है। और आज के दिन, मतलब लेट नाइट, आपको फेड की बैठक भी मिलने वाली है कि वो रेट कट पे क्या बात कहते हैं। अगर रेट कट वो कर देते हैं तो कहते हैं ना गाइस, 4 चांद लग जाना, मतलब लाइक आप ये कह सकते हो कि सारे पाप, जैसे कि कहते हैं ना, धुल जाते हैं। आप सोच ही नहीं सकते मार्केट कितना हाई लेवल पे ट्रेड करने लग जाएगा, कितना हाई, मतलब
जो ग्रोथ आपको डाउजोन के मार्केट में देखने को मिलेगी, वही ग्रोथ आपको इंडियन मार्केट के अंदर भी देखने को मिल जाएगी अगर रेट कट हो जाता है। क्योंकि गाइस अगर अमेरिका रेट कट करता है तो अपने इंडिया में भी रेट कट होगा, क्योंकि देखिए हम लोग पहले से रेट कट नहीं कर सकते हैं। हमारा GDP अच्छा निकल कर आया, हमारा CPI अच्छा निकल कर आया, लेकिन अगर हम रेट कट करेंगे तो रुपीज़ एंड डॉलर में फ़र्क आ जाएगा, जिससे कि हमारा रुपीज़ में डेप्रिशिएशन देखने को मिल सकता है। तो इसलिए जब तक फेड की मीटिंग नहीं हो जाती, जब तक इनकी तरफ से कोई रिजल्ट नहीं निकल के आ जाते, तब तक हमारा इंडिया RBI जो है वो रेट कट नहीं कर सकता है। पहले रेट कट अमेरिका की तरफ से हो जाए, देन इनका डाटा अच्छा निकल गया था, तो हाँ डेफिनेटली अपना इंडिया कर सकते हैं। एंड अभी आप देख रहे हो ना डाउ जोन्स की मार्केट में 0.11% की तेज़ी देखने को मिली है। एंड देखिए अगर मान लीजिए रेट कट होता है तो आपको ये यू जाता हुआ देखने को मिल सकता है, अगर रेट कट नहीं हुआ तो आपको ये ऐसे ऐसे बहुत बिल्कुल डाउन जाता हुआ देखने को भी मिल सकता है। और अगर डाउन गया तो मार्केट में Nifty 50 में फिर आपको प्रेशर देखने को मिलेगा, जो करेक्शन हुआ है देन फिर आपको मार्केट कंसोलिडेशन जोन में जाता हुआ देखने को मिल सकता है। एंड फिर वही सेम दिक्कतें स्टार्ट हो सकती है इंडियन मार्केट के अंदर। एंड आपने ये भी देखा होगा कश्मीर वाला, जिसके अंदर पाकिस्तान के जो नक्सली हैं उन्होंने अटैक किया है, ठीक है, एक वैष्णो देवी जो बस थी, मतलब वो जा रही थी टूरिस्ट बस थी उस पर। एंड जो मोदी जी हैं उन्होंने सर्जिकल थर्ड स्ट्राइक के लिए बात की गई है। देखिए कह नहीं सकते सर्जिकल फर्स्ट टू थ्री तीन स्ट्राइक, कोई भी स्ट्राइक, चार पांच स्ट्राइक हो सकती है, लेकिन अभी फिलहाल हमारा इंडिया बहुत ज़्यादा भड़का हुआ है और हो सकता है कि इसका इम्पैक्ट भी हमें कहीं ना कहीं मार्केट के ऊपर देखने को मिल सके। तो गाइस जब ऐसे कुछ वॉर छिड़ती है ना तो बहुत सी चीज़ें हमारे मार्केट को भी इफेक्ट करती हैं। बाकी गाइस मैं आपको यही कहूँगी खुद से स्टडी करके चेक करके देन तभी मार्केट में कल इन्वेस्ट करके चलिएगा। मार्केट जैसे ओपन होती है तो पहले आप इन ग्लोबल क्यूज़ पे ज़रूर ध्यान रखिएगा। गुड बाय गाइस, थैंक यू, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।